बाकी सब लोग कहते थे कि ये कोर्स बिल्कुल भी आसान नहीं है, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे, क्यों देने दे रहे हैं, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर विश्वास रखा, जिसका आज उनको अल्लाह ताला ने इनाम दिया। नाजरीन आधा, इन साल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने जब CA इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स के नतायज जाहिर किए तो मुमरा की रहने वाली और इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली जरीन यूसुफ खान ने ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 हासिल किया और न सिर्फ मुमरा बल्कि पूरे मुल्क और अपनी कौम का नाम भी रोशन कर दिया। मंगल के रोज नतायज जाहिर होते ही पूरे मुमरा में जश्न का माहौल रहा। शहर से ताल्लुक रखने वाली सभी सियासी और सामाजिक जमातों ने जरीन खान और उसके अहले खाना पर मुबारकबादियों की बौछार कर दी। सभी ने अपने अपने तौर पर उसे मुबारकबादियां दी और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़े रहे कि जरीन खान ने अपनी इब्तदाई तालीम पटेल उर्दू हाई स्कूल मुमरा से हासिल की है और आज उसी स्कूल की सरजमीन पर जरीन खान के लिए एक शानदार इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की तालीम और तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाली मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियात ने शिरकत की और उसके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और आइंदा अपने पूरे टाउन का वादा भी किया। याद रहे कि मुमरा जो हमेशा अपनी गुनागुन तहजीब और सकाफत, सियासी और समाजी तकरीबात, बे इंतहा अवामी मसाइल, मकामी इंतजामिया की तंग नजरी की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, मगर तालीमी सतह पर इस शहर ने हमेशा सिर्फ महाराष्ट्र ही में नहीं बल्कि मुल्की सतह पर भी नुमाया मकाम हासिल किया है। इसी शहर ने 2 साल कब एक IPS ऑफिसर भी दिया। बेशक तंग नजरी और सौतेले सलूक की वजह से डेवलपमेंट और दिगर तरक्कियों के मामले में मुमरा दिगर शहरों से कुछ पीछे ज़रूर है, मगर तालीमी सतह पर इसने हमेशा मुल्क का नाम रोशन किया है। फ़ख्रे मुल्क, फ़ख्रे कौम और फ़ख्रे मुमरा बनने वाली जरीन खान से लंतरानी मीडिया की टीम ने भी मुलाकात की और उसकी इस कामयाबी के बारे में जाना। तो आइए देखते हैं अपनी तकरीर में जरीन खान ने क्या कहा और हमारे सवालात के क्या जवाब दिए। न्यूज़ एडिटर नासिर यूसुफ और एंकर फरहा जबीन के साथ लंतरानी न्यूज़। मैं फरहा जबीन इस वक्त मुमरा शहर के पटेल स्कूल में मौजूद हूँ। फ़ख्रे मुल्क, फ़ख्रे कौम और फ़ख्रे मुमरा का खिताब हासिल करने वाली, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली जरीन खान से लंतरानी मीडिया की एक ख़ास मुलाकात। जरीन, मैं फरहा जबीन आपको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बारे में क्या आपने सोचा था? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो सिर्फ पास होने का सोचा था, ये तो अल्लाह मियाँ का करम है सब जी, मैंने कुछ इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपसे दूसरा सवाल करूँगी कि मतलब इतनी बड़ी इम्तियाजी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? जी मैं ये अपने पेरेंट्स, अपनी बहन और अपने दोस्तों को देना चाहूँगी। और आपके वालदे ने खूब मेहनत की इसके पीछे? जी उन्होंने बिल्कुल मेहनत की जी, बाकी सब लोग कहते थे कि ये कोर्स बिल्कुल भी आसान नहीं है, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे, क्यों देने दे रहे हैं, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर विश्वास रखा, जिसका आज उनको अल्लाह ताला ने इनाम दिया है। वालदेन को खुश देखकर बहुत मुसर्रत होती होगी? जी बहुत ज़्यादा। जरीन आइंदा का क्या इरादा है? जी अभी तो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरा फाइनेंस देने का इरादा है। मैं चाहूँगी कि कौम की लड़कियों को जरीन खान क्या पैगाम देना चाहती है? जी मैं यही पैगाम दूंगी कि आगे पढ़िए लिखिए, आपको जो भी करना है अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, जो इरादा किया है उसके ऊपर अमल कीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया।
फरहा जबीन, कैमरामैन जीशान के साथ, मुमरा थाने।